सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खर खरा का श्रुति संभिनार्थक शब्द कौन सा है? ए कड़ा निष्कपट, बी रचना निपुण, सी सेना कड़वा, डी कंजूस तलवार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कड़ा निष्कपट। अगला प्रश्न है, तूती बोलना का सही अर्थ है? ए बढ़ाना, बी होश उड़ जाना, सी भाग जाना, डी धाग जमाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी धाग जमाना। अगला प्रश्न है, कक्षा का अनेकार्थी शब्द है? ए परिधि, बी लेखनी, सी कुमुद, डी किला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए परिधि। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए भाटक, बी पुच्छ, सी भीतर, डी भ्रू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भीतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरंग का पर्यायवाची है? ए विची, बी रोष, सी निशा, डी अटवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है? ए आंतरिक, बी अंतर, सी आंचल, डी अंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आंतरिक। अगला प्रश्न है, सिर्फ अपना हित चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए प्रार्थी, बी निवेदक, सी स्वार्थी, डी हितार्थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी स्वार्थी। अगला प्रश्न है, स्वधर्म शब्द का विलोम होगा? ए परधर्म, बी अधर्म, सी विधर्म, डी सुधर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए परधर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ए परीक्षण, बी प्रदेशिक, सी परीक्षा, डी माधुर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी माधुर्य। अंतिम प्रश्न है, बालेंदु में कौन सी संधि है? ए गुड़ संधि, बी वृद्ध संधि, सी यड़ संधि, डी अयादि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गुड़ संधि। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कला का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? ए अंश, बी परिधि, सी समय, डी लेखनी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।